जोशी जयपुर में गांधीनगर के आवास पर मौजूद है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हार जीत को लेकर नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी सहित कार्यकर्ताओं ने भी जोशी से मुलाकात की। वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटी, जितेंद्र गोठवाल, मंजू शर्मा, अमित साहू सहित कई नेताओं ने मुलाकात की है। सीपी जोशी बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों को भी संबोधित करेंगे। तो सीपी जोशी से जुड़ी ये अपडेट आपको दे दे, जयपुर में है। हार जीत को लेकर मंथन दोनों तरफ जारी है। बीजेपी में भी जाहिर तौर पर तमाम कार्यकर्ता नेता उनसे मिल रहे हैं और उनसे फीडबैक लेने का सिलसिला जारी है। विष्णु हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं। विष्णु, बीजेपी कार्यालय में किस प्रकार की ये चर्चा परिचर्चा, किस प्रकार का फीडबैक जो है वो ले रहे हैं सीपी जोशी? बिल्कुल, आपको बता दूं कि बीजेपी कार्यालय में बीजेपी आवास पर है। अभी गांधीनगर जो आवास है उस पर है सीपी जोशी और लगातार दो दिन के प्रवास पर चित्तौड़गढ़ थे और उसके बाद कल रात पहुंचे और आज सुबह से ही यहाँ पर कार्यकर्ता और उनके नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके मिलने का सिलसिला बना हुआ है। प्रदेश भर से जो नेता और प्रत्याशी जो चुनाव लड़ चुके, खासकर वो लोग भी यहाँ पर आकर मिल रहे हैं क्योंकि चुनावी नियमित मतदान खत्म हुआ था और उसके बाद पहुंच रहे सीपी जोशी। तमाम लोगों से फीडबैक ले रहे हैं कि क्या स्थिति उनके क्षेत्र में है, पार्टी कितना जीत रही है, कौन सी सीटें जीत सकती है, इन तमाम बातों को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। बात की जाए तो यहाँ पर जो वरिष्ठ नेता थे देवी सिंह भाटी, वो पहुंचे हैं, उनकी बात हुई है एकांत में उनसे। कुछ चर्चा के बाद जितेंद्र गोठवाल है खंडार से बीजेपी के प्रत्याशी थे और यहाँ पर पदाधिकारी भी रहे हैं, तो ऐसे में उनसे चर्चा हुई है। पूर्व जो मंत्री थे भवनलाल शर्मा, उनकी पुत्री है मंजू शर्मा, उनसे बातचीत हुई। इसके अलावा बाबू सिंह राठौड़ अभी आए हैं जो जोधपुर से, वहाँ बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं जोधपुर जिले में। तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मिलते जा रहे हैं उनसे, जोशी भी जो सभी लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। इसके अलावा एक कार्यशाला है उसको भी संबोधित करेंगे आज सीपी जोशी, और शाम को जो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह उनको भी पहुंचने की संभावना है कि कार्यालय का उद्घाटन करेंगे बीजेपी के, किसी अभी का कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। तो ये सिलसिला बना हुआ है। तो विष्णु, बीजेपी के खेमे में बेचैनी ज्यादा या उत्साह ज्यादा नजर क्या आ रहा है, ये माहौल क्या? बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के खेमे में उत्साह है, हालांकि एक जो उत्साह के बीच बेचैनी भी कह सकते हैं, पर लेकिन उत्साह ज्यादा है क्योंकि लगातार बीजेपी के जो नेता वो दावा करते आ रहे हैं कि 135 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हालांकि वो गणित है वो अभी क्लियर नहीं कर पा रहे। आज एग्जिट पोल भी आएगा शाम को, जब यही वोटिंग तेलंगाना में खत्म होगी उसके बाद एग्जिट पोल आएगा, तो उसकी जो हार जीत की गणित है उसको लेकर भी यह मंथन किया जा रहा है। हालांकि सभी नेता पूछ रहे, ये आश्वस्त है बीजेपी की सरकार बीजेपी की बन रही है। ये इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर नेता हो, तमाम प्रत्याशियों या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, वो तमाम आश्वस्त है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन सीटों के गणित को लेकर बराबर आकलन चल रहा है। अलग अलग सबके मत है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 110, 118, 17, इसके अलावा कुछ लोग 130 के पार बता रहे हैं। गणित अपने अपने बने, आकलन हो, लेकिन सरकार बनने को लेकर ये आश्वस्त है क्योंकि मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया था। अब 3 तारीख को वो जो फैसला उन्होंने सुनाया उसका सामने आने का दिन है, वो निर्णायक दिन है कि सरकार कितने बन रही है, किसकी बन रही है और कितने सीटें यहाँ पर मिलेगी। सीपी जोशी आज बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारी को संबोधित करेंगे, किस बाबत ये संबोधन होना है? ये आमुखीकरण कार्यशाला है जो समय समय पर बीजेपी की ओर से कार्यशालाएं या आयोजित की जाती है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो बीजेपी में पहले भी कहा था कि चुनाव एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पूरी हो गई, अब आगे 2024 इनका टारगेट है, उनका लक्ष्य है, उसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई है बीजेपी में और पूरा फोकस उसको लेकर जो पदाधिकारी है उनकी कार्यशाला है। उस कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के अलावा जो अन्य प्रमुख नेता है वो उस कार्यशाला को संबोधित करेंगे। तो ऐसे में विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के। तो हमारे सहयोगी विष्णु कनेक्ट थे, जिन्होंने बताया कि सीपी जोशी इस वक्त गांधीनगर के अपने आवास पर हैं, उसके बाद कार्यालय जाएंगे जहां पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। फीडबैक लेने का सिलसिला लगातार जारी है तमाम वरिष्ठ नेताओं का। उधर